तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और शाम के बजे हैं अभी 5। वानी आने वाली है तो उसके लिए चाय बनेगी और मैंने अपने खाने के लिए भी तैयारी कर दी थी क्योंकि मुझे बनाना है साग। ये देखिए ये मैंने साफ करके और कटिंग भी मैंने इसकी कर ली है। कुछ रह गए हैं, मेरे हाथ दर्द करने लगे। देखिए मेरी उंगलियां जो यहाँ से है ना, ये इसे काट काट के और वो हो गई और ऊपर से फिर इसमें ग्रीन ग्रीन कलर रह जाता है लगा हुआ। तो पहले क्या करती हूँ, इसको सबको धो लेती हूँ और कुकर में नमक डाल के इसको रख देती हूँ उबलने के लिए क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। पहले कुकर को धो ले आती हूँ और फिर इसमें चढ़ाती रहूंगी साफ करके इसको। और पता है अभी वाणी भी आ जाएगी ना, बताया मैंने आपको, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा मुझे ये। थोड़ा थोड़ा निकाल के थोड़ा थोड़ा साफ करती रहूंगी, उसमें रखती रहूंगी। मक्का की रोटी बनाऊंगी, मतलब खाली मक्का की तो नहीं बन पाएगी, मेरे से टूट जाती है। मतलब बना तो लूंगी लेकिन टाइम लगता है, टूट जाती है। और साथ मिक्स करके गेहूं के आटे में मिक्स करके रोटियां बनाऊंगी। और पहले इसको कर लेते हैं अभी साफ और इसमें पानी डाल के रख देते हैं इसे उबलने के लिए। साग, सरसों का साग सर्दी में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है सरसों का साग और साथ में मक्का की रोटी। तो जी यहाँ देखिए, आदि के पापा जब आए थे ना तो वो लाए थे समोसे, और यहाँ आदि बाबू को बहुत जल्दी लगी है समोसे खाने के लिए, तो आदि ने अपने लिए लगाई है ये प्लेट। देखिए हमारे लिए नहीं लगी है ये प्लेट, जो लग रही है कि दो समोसे लेके और अपनी चटनी वगैरह सब निकाल के बोलता है कि ये मैं अपने लिए लगा रहा हूँ, आप अपने लिए लगा लेना। तो देखिए ऐसे होते हैं बच्चे, ठीक है ना, हमारे लिए अलग छोड़ दिए हैं इसने और अपने निकाल लिए हैं। तो ये समोसे लेके आए थे तो इनको हम खाएंगे अभी, और चाय बाद में बनाऊंगी, चाय वाणी के आने पे ही बनाऊंगी अभी बस। और ये समोसे खा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मुझे बनाने हैं दाल, काली मलका की दाल बनेगी, जैसे मैंने आपको पहले बता ही रखा है आदि की फेवरेट दाल है। तो ये देखिए मैंने दाल पहले डाल दी है कुकर के अंदर। अब यहाँ पे मैंने धुल लिया है दाल को, अच्छे से साफ कर लिया है। यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ, ऊपर से थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको चढ़ा देती हूँ फ्लेम के ऊपर। और चावल भी बनेंगे साथ में, तो चावल को भी क्या करूँगी, 1 गिलास चावल लिए हैं, इनको भी धुल के अच्छे से रख दूंगी मैं भीगने के लिए, और जब मुझे ये बनाने होंगे तब। वेलकम बैक माई चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और सर्दी के मजे ले रहे होंगे। हमारे यहाँ बहुत अच्छी सर्दी है, बहुत अच्छी ठंड है मतलब, और बस हम भी सर्दी के मजे ही ले रहे हैं। और देखिए मैं आपसे बात करते करते किचन में लगी थी मैं काम करने के लिए और आके बैठ गई हूँ रजाई में। तो जी सर्दियों में क्या है कि थोड़ा बहुत काम किया और आके बैठ गए आप रजाई में, और फिर बस क्या है होता है, बहाना होता है चाय का, ठीक है ना। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, ऐसे लगता है कि बस कोई आया चाय बना ले आऊं, ये आते हैं मैं इनसे पूछूं चाय बना लूं आपके लिए, है वानी आएगी तो चाय। फिर मैं अगर जैसे कि काम करके, मतलब सुबह मेरी चाय हो गई, 2 चाय मेरी सुबह हो गई, और जैसे मैं काम से फ्री होती हूँ ना, काम से फ्री होने के बाद फिर मेरे को ये नहीं है कि मुझे खाना खाना है, मुझे चाहिए होती है चाय। मैंने कहा 1 कप अदरक वाली अच्छी सी चाय बना ले। और आज मैंने अपना ब्लॉग शूट किया ही नहीं है, पूरा दिन हो गया क्योंकि आज हमें ना कहीं जाना था और हम वहाँ जाने के लिए रेडी भी हो गए, सब कुछ ओके था, और फिर वो एकदम से वहां से फोन आया कि मतलब नहीं वो काम आज नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए फिर हम नहीं जा पाए। और ये फिर हाँ ये चले गए थे, इनको जाना पड़ा, ये चले गए थे, मैं नहीं गई थी। और इसी के लिए हमने आज आदि की छुट्टी भी कराई थी, तो आदि भी घर पे रह गया था। फिर उस आज मतलब एक के बाद एक ऐसा, मतलब पूरा दिन एक तरीके से वेस्ट गया। इनको भी पता लगी दोपहर के 1 बजे कि उसने बोला कि आप ही आ जाओ, मतलब काम तो हो नहीं पाएगा वैसे फिर, लेकिन हमारा काम था और हमें कराना ही था, मतलब जितना भी मतलब पॉसिबल हो उतना तो हम करा ही ले। तो इसीलिए फिर वाणी पापा बोले कि चल मैं ही चला जाता हूँ और जितना भी जो भी होगा तो मैं देख लेता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, आदि अकेडमी के लिए निकला, आदि जाता है क्रिकेट अकेडमी, तो आदि निकला घर से 3 बजे। 3 बजे आदि निकला है और आदि निकल के फिर 3:30 बजे आदि यहाँ पे आया, घर वापसी आ गया। अब मैंने तो ये सोचा, मैंने कहा आदि निकल चुका है, आदि अकेडमी पहुंच भी गया होगा क्योंकि आधा घंटे का रास्ता है। और फिर
आदि आया कि मैंने कहा क्यों क्या हुआ कि गया नहीं, कि मम्मा आज मेरी वैन ही नहीं आई, और वैन वाला आदि को छोड़ के चला गया मतलब। तो वो बाई मिस्टेक हुआ जो भी हुआ, क्योंकि वहां पे जो ओनर हैं एकेडमी के उनके कारण, और कुछ हमारी भी गलती रही कि हमने उस वैन वाले को एक बार सुबह मतलब कॉल करना था आज, क्योंकि आज आदि का ना सेकंड डे था, कल ट्रायल के लिए गया था आदि, तो वो थोड़ा सा इश्यू हो गया। तो आज का दिन आदि की छुट्टी बेकार गई, इनकी भी छुट्टी बेकार गई, मतलब कोई काम नहीं हुआ। मैंने भी सुबह उठ के फास्ट काम किया अपना, जल्दी जल्दी किया अपना, ब्लॉग भी शूट नहीं किया कुछ भी। हाँ कल शाम को मैंने जरूर शूट किया था अपना थोड़ा बहुत, और मैं बताऊँ आपको कि कल शाम को मैंने साग की रेसिपी शेयर करनी थी आपके साथ, कि मैं अपना साग मतलब किस तरीके से बनाती हूँ, सरसों का साग बनाना था मेरे को, तो वो मैंने सब तैयारी कर ली। और लेकिन बीच में क्या हुआ, मेरा फोन ना समझ नहीं आ रहा है, मेरे फोन में कोई दिक्कत आ रही है। अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ, अगर इसमें मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं अपनी वीडियो जाके देखती हूँ ना, अपने चैनल को खोलती हूँ, तो उसके अंदर मेरी जो वीडियो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। उसके अंदर पता नहीं दुनिया मतलब वो हो रखा है, ग्लिच टाइप सी आ रखी है, मतलब बिल्कुल मेरी वीडियो चल नहीं रही है। एक वीडियो ऑन कर रही हूँ, कोई चल रही है दूसरी वीडियो, और वो वीडियो चल भी नहीं रही है। उसके अंदर एक वो आ जाता है ना बिल्कुल मल्टी कलर से हो रखे हैं उसके ऊपर, मतलब वो मेरी वीडियो खराब हो रखी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रखा है। अब ऐसे में वीडियो बना रही हूँ बैठ के, तो इसमें कुछ नहीं है, ये सब सही चल रहा है। तो अगर प्लीज आपको किसी को जानकारी हो तो थोड़ी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं, तो कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैंने कहा मेरा फोन खराब है, लेकिन अभी भी ठीक बन रही है। बाकी मैं और लोगों की अगर वीडियो जाके देख रही हूँ यूट्यूब पे, तो वो भी सही काम कर रही हैं। तो जी इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर देते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।